हेलो दोस्तों, अगर आपका फ़ोन सैमसंग का M30 या M10 या M20 कोई भी फ़ोन इसमें से है, अगर आप फ़ोन को रिसेट करना चाहते हैं या आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, आपका फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसे रिसेट कर सकते हैं और रिसेट करने से समस्या 100% सॉल्व हो जाती है। या अपने फ़ोन को ऐसे ही रिसेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यानी कि रिसेट करने से बहुत सारी समस्याएं हमारे फ़ोन की अपने आप खत्म हो जाती हैं, तो कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, अन्यथा आपके फोन रिसेट करने पर दिक्कत भी आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे है फोन को ओपन करना है। फोन को ओपन करने के बाद में आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग में आपको यहाँ पे ये सेटिंग दिया हुआ है, सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है रिसेट, रिसेट, रिसेट। आपका देखिए यहाँ पे फोन में रिसेट आ रहा है, आपको रिसेट पे जाना है। रिसेट में आपको ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको रिसेट सेटिंग दिया हुआ है, केवल सेटिंग हटाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि फोन की जो सेटिंग है आपकी वो सारी हट जाएंगे और फोन डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ एंड अदर नेटवर्क सेटिंग्स आपकी रिसेट हो जाए, तो आप इसी को केवल टिक करिएगा। आप वाईफाई के पासवर्ड कटाना चाहते हैं तो इसको रिसेट कर दीजिए, जो भी आपका पुराना था वही आ जाएगा, आपका हट जाएगा। अब बात करेंगे आप ये जो फोन में प्रॉब्लम है आपके, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे इस रिसेट का प्रयोग करने का मतलब है कि आपका फोन फाइनल रिसेट हो जाएगा और वापस बिल्कुल नए फोन जैसे था वैसे हो जाएगा। तो आपको जब भी रिसेट करना होगा फोन को, आपको फैक्ट्री डेटा रिसेट पे क्लिक करना है। फोन रिसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और 5 से 10 मिनट के बाद आपका फोन पूरा का पूरा नया हो जाएगा एकदम से, और जैसे चलता था पहले फोन बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपका फोन। ये वीडियो आपको कितना हेल्प करता है आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।